अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों मैं आपको सुनाने वाला हूँ। वीजा को लेकर DGCA की तरफ कुछ अनाउंसमेंट किया गया है, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं और भी दोस्तों खबरें आ रही है कुवैत के आमिर की तरफ से। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको मुकम्मल जानकारी कुवैत की मिल सके। तो चलते हैं खबर क्यों साथियों जान लेते हैं। सबसे पहली खबर कुवैत से कौन सी आ रही, तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो आ रही, मैं अच्छी खबरों से आपको शुरुआत करता हूं। तो साथियों, वीजा को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही। तो साथियों, यदि आप लोग कुवैत यदि आप पहुंच चुके होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि नया वीज़ा इशू कराने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लगभग 2 महीना 3 महीना 4 महीना कभी कभी और भी ज़्यादा वक्त लग जाता था। पर मिनिस्ट्री की तरफ से दोस्तों ये अभी कल के दिन ही अनाउंसमेंट किया गया है कि आप कुवैत का वीज़ा निकालने में मैक्सिमम अब 10 डेज लगेगा, यानी 10 दिनों के अंदर नया वीज़ा को मिनिस्ट्री की तरफ से वहाँ पर इशू कर दिया जाएगा। जो भी प्रोसीड्यूर होता है वो सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा सिर्फ 10 दिनों के भीतर। तो साथियों, बहुत ही जल्दी ये लोग भी कुवैत में अभी नए वीज़ा लेकर नए वर्कर आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। आप लोगों को अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 दिनों के अंदर दोस्तों आप लोगों को नया वीजा को इशू कर दिया जाएगा। अगली खबर के साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो DCA की तरफ से आ रही है, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। तो साथियों, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, अराइवल को लेकर भी, एंट्री को लेकर भी। तो साथियों, यदि आप कुवैत में आते हो या फिर जाते हो, खास तौर पे जाने वालों के लिए ज़्यादा ही अहम खबर है, यदि आप कुवैत से जाते हो तो आप यदि आपके पास कोई ऐसी सामान है जो 3000 कुवैती दिनार से ज़्यादा हो या फिर कोई सामान हो, जेवरात हो, कोई महंगी चीज़ हो, तो आपको उसके लिए सबसे पहले कस्टम डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक फॉर्म दोस्तों आता है, वो फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा, अपनी सिविल आईडी, पासपोर्ट नंबर वगैरह जो भी और जो डिटेल होती है आपकी, वो सारा डिटेल उसमें भरना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्तों आप 3000 से ज़्यादा या 3000 का सामान को या फिर चीज़ों को आप एक देश से दूसरे देश को ले जा सकते हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हो और यदि बाई चांस आप पकड़े जाते हो तो आपको इलीगल माना जाएगा, स्मगलिंग माना जाएगा और आपको वहीं पर तुरंत गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो इस बात को दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वो कुवैत के आमिर की तरफ से आ रही। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, कल के दिन USA में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, यानी आज़ादी का दिन मनाया जाता है। तो उसको लेकर दोस्तों जितने भी गल्फ कंट्रियां हैं उनको बधाइयां दी, जॉय बिडन जो है वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो कतर के आमिर के तरफ से भी दोस्तों रिटर्न मैसेज और फोन कॉल करके उन्हें इंडिपेंडेंस डे को लेकर अमेरिका को बधाइयां दी गई। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो बहुत ही बड़ी खबर है साथियों, बताना चाहूँगा, बहुत ही बड़ी दुर्घटना होते होते कुवैत में बच गया, सॉरी इंडिया में बच गया। साथियों, बताना चाहूँगा आपको कि दिल्ली से एक फ्लाइट उड़ान भरी थी दुबई के लेकर, जिसके वजह दोस्तों फ्लाइट जब उड़ान भरी तो उड़ान होने के बाद वहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ फ्लाइट में। दोस्तों, ये फ्लाइट जो था SpaceJet का था, टेक्निकल फेलियर होने की वजह से दोस्तों उसके इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर। तो साथियों, यदि वो लैंडिंग इमरजेंसी नहीं करवाई जाती तो हो सकता है ये बड़ा दुर्घटना में कल के दिन दोस्तों ये तब्दील हो सकता था। दोस्तों, ये घटना जो है वो कल की है, आप इंटरनेट में इसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, आप गूगल पे जाके इसे देख भी सकते हो। एक खबर दोस्तों और मैं बता देता हूँ साथियों, वीडियो के स्क्रीन पर एक मैं फोटो आपको शो कर रहा हूँ जिनकी फोटो आप देख रहे हो। साथियों, ये इंडिया के रहने वाले वैसे ही अफगानिस्तान के थे, पर दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अजमेर शरीफ के सूफी संत थे। तो साथियों, इनका वहाँ पे महाराष्ट्र के नासिक में उसको वहाँ पे गोली मार के हत्या कर दी गई है। साथियों, वैसे तो ये रहने वाले ही अफगानिस्तान के थे, वो इंडिया आए हुए थे और बहुत बड़े सूफी संत हैं। आप यदि इंडिया के होंगे कभी ना कभी इनकी फोटो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जरूर देखा होगा। ये वीडियो भी दोस्तों बनाते थे, मतलब सूफियों को लेकर इस तरह का वीडियो इनका आता था, तो इनकी दोस्तों मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।